नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चावल बनाएंगे। अब हम चावल कैसे बनाएंगे कि चावल गले भी नहीं और कच्चा भी नहीं रहे, कितना पानी डालेंगे कितने चावल में, यही हम बताने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह हमने चावल ले लिया एक गिलास, यानी एक गिलास चावल में दो गिलास पानी डालेंगे। अगर आपको चावल थोड़ा कड़क खाना पसंद है तो थोड़ा सा पानी कम कर दीजिए, एक उंगली के जो पोर होता है उसके बराबर पानी कम कर दीजिए। हमने डेढ़ गिलास चावल लिया है तो अब हम इसमें तीन गिलास पानी डालेंगे। तो हम पहले चावल को धो लेते हैं। धोने के बाद इसमें पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए गैस पे रख देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चावल धुल गया है, चलिए अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। यह हमने एक गिलास लिया। अगर आपको चावल कड़क खाना पसंद है तो देखिए इतना पानी कम कर दीजिए, यानी एक गिलास चावल में एक गिलास फूल और एक में थोड़ा सा खाली करके डाल दीजिए तो चावल एकदम आपके मन मुताबिक बनेगा। तो चलिए अब हम गैस को जला लेते हैं और इस पे चावल के भगोने को रख देते हैं और इसको पकने देते हैं। अब ये देखिए हमारा चावल जो है उबलने लगा है, तो गैस को हम बिल्कुल ही लो कर देंगे, एकदम कम कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तो चलिए चावल को एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारा चावल कितना पका है। तो देखिए पानी लगभग सूख चुका है, हमने चावल को एक बार भी हिलाया नहीं है, ऐसे छोड़ रखा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए ये चावल हमारा लगभग पक चुका है। देखिए हमने पलटा अंदर घुसाया तो चावल अभी नहीं लग रहा है, तो इसको हम इस पर रहने दे रहे हैं। देखिए ये हमने दोबारा से पलटा घुसाया तो चावल भगोने के तले में लग रहा है, यानी लग ही गया है, तो इसको दो मिनट के लिए और छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। चलिए अब हम इसको उतार लेते हैं और उतारने के बाद 10 मिनट रख देंगे। हमारा 10 मिनट से ज़्यादा क्या, आधा घंटा तक हो गया है। अब हम चावल निकाल कर देख लेते हैं कैसा बना है। चावल तुरंत नहीं निकालेंगे, नहीं तो जो तले में लगा होता है वो भी नहीं छोड़ेगा और चावल कच्चा कच्चा लगेगा। देखिए चावल पक गया है और एकदम अच्छा बन गया है।